है कि सीता बनने का मौका मिल रहा है. तो मैंने देखा कि सभी बॉयज ही सीता बनते हैं, तो इस बार गर्ल्स बनेगी, तो एक चेंज होगा अच्छा और पॉजिटिवली थिंक लोगों पे भी मैसेज पहुंचेगा. इस बार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, इस साल ही कर रही हूँ मैं रोल सीता का, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है. यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल है, सेफ्टी है पूरी और सभी यहाँ पे बहुत अच्छे. जब मेरे को ऑफ़र आई कि सीता बनने का मौका मिल रहा है, तो मैंने देखा कि सभी बॉयज़ ही सीता बनते हैं, तो इस बार गर्ल्स बनेगी, तो एक चेंज होगा अच्छा और पॉजिटिवली थिंक लोगों पे भी मैसेज पहुँचेगा. बेसिकली मैं सिंगिंग करती हूँ, तो मैं सिंगर बनना चाहती हूँ और साथ में एक्टिंग का भी शौक है. सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ये फर्स्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज इसमें सब कुछ लाइव होता है, पूरा रिस्पांस सामने से मिलता है कि लोगों को कैसा लग रहा है, फील हो रहा है. सो ये बहुत अच्छी बात है कि लाइव एकदम ये रामलीला का स्टेज बहुत अच्छा है और इसे करने से हमारा आगे कॉन्फिडेंस और बढ़ता है लोगों के सामने कुछ भी करने. कभी डर नहीं लगा बिकॉज रामलीला के स्टेज और बैक स्टेज में बहुत क्राउड है, क्या फर्स्ट डे थोड़ा सा नर्वस था, बट जैसे जैसे करते रहे हर रोज तो थोड़ा सा वो बिल्कुल भी नर्वसनेस फील नहीं होती, एकदम कॉन्फिडेंस से हम अपना परफॉर्मेंस करते हैं. गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो और आजकल जो कितने केसेस आ रहे हैं गर्ल्स के ऊपर, अत्याचार हो रहे हैं, सो प्लीज़ सब अपनी थिंक चेंज करिए और सब गर्ल्स को सपोर्ट करिए और रामलीला में भी पार्टिसिपेट कीजिए, खासकर गर्ल्स. रामचंद्र जी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहेगा और